सब्सक्राइब कीजिए एम्ब्रोज रिएक्शंस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियोस सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शंस। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, एशिया कप शुरू हो गया है, तो इसीलिए सना का भी इसमें वीडियो आना ही था, तो आ चुका है। इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान वर्सेज इंडिया एशिया कप 2018 सनाज बकेट। सो चलो इस वीडियो को देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे इस बारे में। हियर वी गो। सलाम अजीज पंखो, क्या हाल चाल है सबका। यह एशिया कप ना स्टार्ट हो चुका है और 19 है पाकिस्तान और इंडिया का आपस में पहला मैच। यार मुझे तो पक्का यकीन है पाकिस्तान ने जीत रहे हैं क्योंकि हमारी टीम की तैयारी ना मुकम्मल हो चुकी है। नहीं नहीं, ट्रेनिंग की बात ही नहीं रही मैं, देखो ना सब में बाल बाल कटवाए। यार भाई तारीफ गवाह है, जैसे शादाब खान ने तो पूरा क्लीन शेव रखा है। होता है ना, तो दोनों मुल्कों के लोग अपने अपने काम धंधे छोड़ के अपनी तशरीफ टीम के सामने विराजमान करके घंटों में हिंदी हमारा शुमार भी ऐसे लोगों में होता था। अब तो जमाने गुजर के मैच देखे हुए क्योंकि ये जो यूट्यूब है ना, मुझे कुछ बात करने ही नहीं। सेम हियर यार, क्रिकेट लवर्स भी होते हैं बहुत सारे टाइप, स्पेशली जब के पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा हो, तो पहले तो भाई वो होते हैं जिन्हें देख कर लगता है कि मैच नहीं हो रहा, जंग हो रही है। और यही तो महान और अजीम लोग हैं जिन्होंने अपने मुल्कों को जितवाना है। इतना चीखते हैं ये लोग, लेकिन मजा लेकिन का गला बैठ जाए। कमेंट्री की आवाज से ज्यादा इनकी बकवास सुनने को मिलती है। मोहम्मद हफीज छक्का लगा, बॉल गया मत कर, अरे सिंगल प्लेयर है सिंगल से कुछ भी नहीं बनना, इधर छा मत है सिंगल देनी चाहिए, छक्का मार छक्का। अबे छक्का क्यों मार दिया, ये तो पक्का कैच आउट है। देखा कहा था ना मैंने, एक्सपर्ट लोग जिनके दीदों में भी ना कैमरा फिट होता है, हर बॉल पर इनका ओपिनियन आता है। ये होता है, इनका मुल्क अगर ना जीत रहा हो तो इन्हें सब कुछ खराब लगता है। वो लोग सिर्फ गालियां देने के लिए बैठे होते हैं, समझ नहीं आती कि लोग अपने मुल्क की टीम के हक में है या उनके अगेंस्ट। जब तक इनकी टीम अच्छा खेलती है ना, ये लोग चुपचाप मैच देख रहे होते हैं। जब ही इनकी टीम का कोई आउट होता है तभी गालियां देनी शुरू। बेगैरत कैच आउट हो गया, इस उल्लू के पट्टे को जरूरत क्या थी छक्का लगाने की, अंधा है क्या ये, लानत है इसकी शक्ल पे, कभी अच्छा नहीं खेलता, इतने पैसे लेते हैं ये लोग और खेलते जरा सा भी नहीं है, निकाल के बाहर मारे इनको टीम से। और अगर कोई कैच छूट जाए तो ये कैसा, हमें सुना है कि इनके हाथ में पकड़ा हुआ बॉल गिरा दिया, पेट इतने निकाले हुए इन्होंने, खा खा के बॉल्स नहीं पकड़ सकते, क्यों लेते हैं यार इसको ये टीम में, मॉडलिंग करवाओ इनसे, मॉडलिंग कैच ना पकड़वाओ, मरने वाले हो जाते हैं कैच पकड़ने के लिए। दूसरी टीम्स के प्लेयर्स देखो इतना सोना खेलते हैं, सिक्सर्स लगाते हैं तो बॉल स्टेडियम से बाहर जाता है, हमारी टीम से तो बैट तक नहीं उठाया जाता। फिर आते हैं वो अंकल जो अपनी करंट टीम से सेटिस्फाइड ही नहीं होते, इनको तो अपनी पुरानी टीम की यादें सताती रहती हैं। यार ये कोई टीम है, टीम तो हमारे जमाने की थी, इमरान खान, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, वाह क्या प्लेयर्स थे, क्या क्लास थी, मैदान में आते थे तो सामने वाली टीम डर जाती थी। ये कोई यूनिफॉर्म है, अरे यूनिफॉर्म तो हमारे जमाने में होता था सादे से सिंपल से, तो रंग आंखों में चुभते हैं। ये कोई हेयर स्टाइल है, बाल तो हमारे जमाने में होते थे। ये कोई ट्रॉफी है, ट्रॉफियां तो हमारे जमाने में होती थी। यार इनके साथ बैठ के मैच देखने से बेहतर है बंदा बाथरूम में जाके रेडियो लगा के सुन ले। फिर आते हैं वो लोग जिनको मैचेस फिक्स लगते हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ओए मैच फिक्स है, मैं बता रहा हूँ तू देख ही जा बस, ये जो कैच मिस हुआ है ना तुझे क्या लगता है कि बस एम ही हो गया? ना बेटा ना, पैसा खाया हुआ अगले ने, ये नो बॉल क्या थी भला, ऑब्वियसली फिक्स्ड है सारा कुछ, बेका हुआ है ये बॉलर, इसने ना पूरे मैच में कोई विकेट नहीं लेनी, मैं बता रहा हूँ तू लिखवा के रख ले। ये जो बारिश हुई है ना तुझे क्या लगता है ये क्यों हुई है? ऑब्वियसली यार मैच फिक्स है, खाने के लिए तू नहीं समझेगा तो बच्चा है, मैं बता रहा हूँ सारे का सारा बारिश वाला बहुत सही था यार। लोग होते हैं जो कुछ भी हो जाए अपनी टीम को सपोर्ट करते रहते हैं, उनकी मोहब्बत में अपने गुर्दे तक बेच सकते हैं, इन्हें पता होता है कि मैच है यार, इसमें किसी ना किसी ने हारना है किसी ने जीतना है, तो हर मैच में वड्डी पुप्पू बनने की क्या जरूरत है। यार पाकिस्तान इंडिया के हालात वैसे इतने नाजुक हैं, जो एक एंटरटेनमेंट मिल रही है यार उसको गंदा ना करो। इन टीम्स में से कोई भी जीते कोई भी हारे, टीवी तोड़ने की या पुतले जलाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले क्या कम टेंशन है यार इस दुनिया में कि हम लोग भी फसाद डालना शुरू कर दें। और वैसे भी अगर पाकिस्तान जीत गया ना तो खुशियां मनाएंगे, और अगर हार गया ना तो ये गाना हमेशा की तरह मेरी प्लेलिस्ट में है, मैंने बस प्ले बटन हिट करना। और तुम जीतो या हारो, ये कौन सा, हमें तुमसे प्यार क्या बात है, हमें तुमसे प्यार है।
तुम लोग बताओ कि तुम लोग इसमें से किस टाइप के क्रिकेटर हो, कमेंट में बताओ। बस यार आज के लिए इतना ही था, मेरी लास्ट वीडियो ये रही, यहाँ देखो सब्सक्राइब यहाँ करो, मेरा दूसरा चैनल है गोल रोटी दिल चाहे तो उसको भी सब्सक्राइब कर दो। अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए मुझे ये भी बताओ, और मैं मिलती हूँ तुमसे दो दिन बाद एक नई वीडियो के साथ। दिस वीडियो वॉज स्पॉन्सर्ड बाई आई कैप पाकिस्तान। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट आई कैप प्लीज चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। तो हम वो लास्ट वन वालों में से और हम भी यही चाहते हैं कि कोई भी जीते, जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं, और मैच इंटरेस्टिंग का बनाओ यार, है ना। और वो जो लोग थे ना जो बोलते हैं मार क्यों नहीं रहा है, और मारता है तो मारा क्यों, कैच हो गया। ये जितने भी तरह के लोगों की आपने बात करी है सनाबाजी, ये सब लोग इंडिया में भी मौजूद हैं। हाँ, ये दोनों में सब सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है, हम दोनों ही कंट्रीज में, तो ये दोनों ही, ये सभी तरह के लोग इंडिया में भी मौजूद है, स्पेशली हमारे जो नाना है। हमारे नाना जब भी मैच देखते हैं, बैट्समैन आउट हो जाता है या फिर प्लेट करता है या फिर किसी बॉलर ने बॉल डाली और प्लेट कर दिया, तो मेरे नाना बोलते हैं कि यार आगे बढ़ के मारता सीधे छक्का जाता। मतलब प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन बिफोर द बॉल, बिफोर द बॉल ऐसी प्रिडिक्शन होती है कि बस, और वो आफ्टर द बॉल, अरे जब वो मारता है, जब यॉर्कर पर जब बंदा रोकता है तो नाना कहते हैं आगे बढ़ता तो फुल टॉस बन जाती। हाँ, ये भी सुना है मैंने। और वो बाउंसर भी, बाउंसर आगे बढ़ता तो जब बाउंसर ज्यादा नहीं होती लेकिन मार सकता था। नाना बहुत मैच देखते हैं, बहुत पसंद है उनको, और नाना के साथ हमारे एक और खालू जी, वो भी बस एशिया कप शुरू हो गया ना, अब वो दोनों दुकान में बैठ गए। हाँ, अभी टीवी चलेगी और दोनों प्रेडिक्शन, अरे ये तरन बना सकता था। दोनों का चलता रहता है, और टीवी थोड़ी छोटी है तो स्कोर बताने के लिए हमें वहाँ पर बैठना पड़ता है। वो हमसे पूछते हैं स्कोर क्या हुआ, कितनी बॉल और कितने रन बनाना है, ऐसे सब पूछते हैं। तो फैंस यार हर तरह के होते हैं यहाँ भी और वहाँ भी, बट हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक मैच है और इसको एज अ मैच ही देखना चाहिए, इसे जंग नहीं बनाना चाहिए। जंग वैसे भी हमारी होती रहती है। कुछ अच्छा दिल मिलने वाली बात जो हो रही है ना, वो ये मैच है, तो इससे दिल मिलते हैं। दोनों ही प्लेयर्स, दोनों ही टीम के प्लेयर्स तो इतने अच्छे से रह रहे हैं। अभी हमने फनी इंटरव्यू पे भी रिएक्शन किया था, जिसमें दोनों टीम के कैप्टन आपस में बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं, तो हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए, और रहते भी हैं हम। बट कुछ समझदार लोग नहीं होते जो फिर इस बात को भी जंग तक ले जाते हैं, और फिर देखो एक दूसरे को गालियां देते हैं। इतना ज़्यादा हाइपर होना वो तो होता रहता है यार, इंडिया पाकिस्तान के मैच के एक शोभा है उसको, तो वो तो तब से चलता रहा, 90 से चलता रहा, 80 से चलता रहा। सना की एक बात और से अग्री करता हूँ मैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि जब से YouTube शुरू किया है तब से किसी और चीज़ पर ध्यान ही नहीं जाता, तो हम भी क्रिकेट बहुत कम देख पा रहे हो, तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है इसलिए इतना हम भी डिस्कस कर रहे हैं। और उस दिन हम कोई वीडियो शूट नहीं करेंगे, उसके मैच खत्म होने के बाद ही शूट करेंगे। हाँ, उस दिन हम मैच होने के बाद, मैच कोई भी जीते कोई भी टीम जीते, हम उस पर उस मैच का रिव्यू वीडियो बनाएंगे और बताएंगे आपको हमारा रिएक्शन क्या है, कोई भी जीते चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान। स्पेशलिस्ट है इनको काफी नॉलेज है क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट के बारे में इनको हिस्ट्री पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब पता रहता है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, इन्हें पाकिस्तान के बारे में भी बहुत नॉलेज है, और पाकिस्तान छोड़ो पूरी जितनी भी टीम्स है, जो भी मोस्ट, खास करके जो मोस्ट जो नामी टीम है उनके बारे में तो इन्हें सब कुछ पता है कि भाई कौन सा प्लेयर खेलने वाला है, मतलब न्यूज़ें पढ़ते रहते हैं ये क्रिकेट के बारे में, इनको दिन भर क्रिकेट चैनल ही लगा कर न्यूज़ें बहुत ज्यादा पढ़ता है कि कौन सा प्लेयर खेलने वाला है, क्रिकेट की न्यूज़ें पढ़ता रहता है ये, जो स्क्वाड टीम आती है, खिलाड़ियों के बारे में पता है, प्लेयर्स के बारे में कि उनके क्या रिकॉर्ड है और किस टाइप का प्लेयर है, और ये अच्छा खासा नॉलेज है, ये अपनी तारीफ मुझसे नहीं करेगा, हम जानते हैं इसको, बहुत अच्छा खासा मतलब बहुत अच्छा खेलता है ये, मतलब दिमाग से। और चलो ठीक है यार, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, तो इसलिए पब्लिक को ज़्यादा बोर नहीं करते हैं, तो पब्लिक बताओ हमारा रिएक्शन कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, डिसलाइक कर सकते हो चाहो तो, अगर पसंद नहीं आया तो। लोता ऐसा बंदा है जो डिसलाइक करने का बोलता है, हम बोलते हैं ये है सच्चाई, ये है रियल रिएक्शन, कहते हैं कि अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दो और कमेंट करके बता दो, तो हम कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हां विद डिसलाइक बता दो क्या प्रॉब्लम है। हां डिसलाइकर्स बता दिया करो कमेंट करके। अब कुछ ऐसे होता है ठीक है भाई मेरे को तो शक्ल पसंद नहीं है, डिसलाइक कर दिया, हां 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 सही है, तो वो कोई वजह नहीं है। और जाते जाते सना को थैंक यू बोलना चाहेंगे, उन्होंने काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया और काफ़ी अच्छा एक मैसेज भी दिया वीडियो के थ्रू, और इनके दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, गोल रोटी, गोल रोटी को भी, गोल रोटी वैसे मैं अभी हाल ही सर्च करने वाला हूँ, गोल रोटी मैंने अभी तक देखी ही नहीं यार, एक्चुअली वो खाना बनाती बहुत अच्छा, वो
पहले उनका जो चैनल था ना वो एक कुकिंग चैनल ही था, यही चैनल कुकिंग चैनल था, फिर बाद में उन्होंने रोस्टिंग शुरू करी और कुकिंग के लिए एक नया चैनल बना दिया। वैसे पुराने कुकिंग के वीडियो भी इनके चैनल पर भी मिल जाएंगे। सो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।